हम इस समय मौजूद हैं ग्वालियर के नगरी विकास प्राधिकरण के संचालक ऑफिस के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ ग्वालियर नगर निगम स्वच्छ भारत के चलते हुए ग्राम धुन से घर घर जाकर स्वच्छता का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर आप देखिए ना असिस्टेंट डायरेक्टर का यहाँ ऑफिस है और उसके बाजू में आप देखिए किस तरीके का कचरा पड़ा हुआ है हम और किस तरीके के पशु हैं और वो उस कचरे के ढेर पर बैठे हुए हैं और जिस तरीके का कचरा काफ़ी दिनों से कचरा लगा है मगर नगर निगम उस कचरे को ध्यान नहीं दे रही है और दूर दूर घर घर जाकर राम धुन का बजाकर स्वच्छता का संदेश दे रही है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ के रहवासियों से, उनको किस तरीके से इस गंदगी का सामना करना पड़ रहा है और हमारे साथ इस समय मौजूद है सजल अग्रवाल जी, जो यहाँ पे यहाँ यहाँ रहते हैं, किस तरीके से गंदगी का सामना कर रहे हैं सजल जी? आप काफ़ी दिनों से रह रहे हैं और किस तरीके से गंदगी आप देख रहे हैं? गंदगी के बारे में हमने कई बार नगर निगम और प्रशासन को सूचित किया है, कई बार हमने सीएम हेल्पलाइन पर भी कंप्लेंट की है, लेकिन खाना पूर्ति होकर रह जाती है। कोई भी प्रॉपर तरीके से सफाई व्यवस्था के लिए उचित कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ पर आज तक ना तो सूखा कचरा गीला कचरा जो इनका डिब्बे लगने चाहिए वो लगे हैं, ना ही इनकी यहाँ पर जो कचरा कलेक्शन की गाड़ी है वो आती है। इन सब स्थितियों में कैसे साफ सफाई का वो हो पाएगा? कोरोना जैसी महामारी के समय भी हमने कई कंप्लेंटें करी लेकिन प्रशासन नहीं जागा, नगर निगम नहीं जागा। अब तो यहाँ पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर नगरी विकास प्राधिकरण का ऑफिस भी है और किस तरीके से आप देखते हैं कि ऑफिस के भारी कपड़े नगर नगरी प्रशासन संचालक का ऑफिस है, उन्होंने अपने ऑफिस की ये साफ सफाई करा दी है, बाकी कचरे से उनको कोई लेना देना नहीं है। आवारा पशु सांड सब बैठ रहे हैं, उनको उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने वाले राहगीरों को ये आवारा पशु परेशान करते हैं और यहाँ गंदगी की वजह से जो आज की डेट में महामारी का समय है उस समय में हम रहवासियों को बहुत खतरा है, लेकिन सामान्य प्रशासन और नगरी संचालक आयुक्त साहब का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। नगर निगम कमिश्नर घर घर जाकर राम धुन का भी प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से? मेरे हिसाब से राम धुन से पहले नगर निगम को और नगर निगम कमिश्नर साहब को अपने डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि डिपार्टमेंट का जो कार्यकलाप है वो सही हो, वो अपनी तरफ से जो उनको कार्य करना है वो करें, उसके बाद रामधुन बजाएं या कोई भी जो भी उनको कार्रवाई करनी है वो करें, उसके लिए वो स्वतंत्र है। देखिए जाके रहवासियों का कहना है पहले तो अपना कार्यालय की साफ सफाई करें, बाद में रामधुन बजाकर घर घर जाकर संदेश दें। ग्वालियर से पंजाब की टीवी के लिए अंकुर जंटी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।